रूम टूर तो सब करते हैं, हम करने वाले हैं कबर्ड टूर। आए आप हेलो, रूम टूर नहीं है, कबर्ड टूर है। आए इधर, क्या कर रहे हैं आप? तो चालू करते हैं, मेरे कबर्ड में है क्या? रूम टूर तो सब करते हैं और मेरा रूम ऐसा कुछ खास भी नहीं है जो कि टूर कराने लायक हो। मैंने बोला कि चलो यार, जो चीज है वही। तो स्टार्ट करते हैं अपन मैन ऑफ द मैच वाले से, ठीक है? हैप्पी मेमोरीज पहले। तो ये मेरे को मिला था जब मैं टूर्नामेंट जीता था। देखो हुआ क्या था ना, उस दिन पहले दिन जब मैं प्रैक्टिस मैच था, उस दिन मैं 0 पे आउट हो गया था, ठीक है? और मैं ओपनिंग गया था, पहला बॉल डक, गोल्डन डक। उसके बाद दूसरे दिन जब टूर्नामेंट का पहला मैच था, तो मैंने ओपनिंग तो करी थी, पर मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। मेरे को डर था कि भैया मैं आउट हो गया ना तो खत्म है सीन। फिर मैंने उस मैच में 82 रन मारे और चेज किया भाई, चेज मास्टर थाला फॉर अ रीजन। फिर दिखाता हूँ मैं ये स्टिकर का कलेक्शन, पता है? जैसे कि देखो, गाड़ी, बाइक्स, बेंटन, फिर जरा ये कार्स का, फिर अपन देखेंगे इसको, देखते हैं। तो उसके अंदर इसको देखेंगे, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना, मेरे दिल के करीब है ये कप, क्योंकि ये चीज मेरे को फादर ने लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तब उन्होंने मुझे दिया था। तो देखो फादर का ये, उसके बाद मेरी क्रिसमस भी रखा हुआ अच्छे से, देन जीसस क्राइस्ट। तो पता है फादर मेरे से ऐसे ही रैंडमली बात कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद फादर ने बोला कि सात्विक, हैव आई गिवन यू एनीथिंग टू रिमेंबर मी बाय? तो मैंने बोला कि फादर, द मेमोरीज आर इनफ फॉर मी, ठीक है? उसके बाद लेकिन फादर ने बोला कि बट सात्विक, यू हैव टू हैव समथिंग ना, यू हैव टू हैव समथिंग टू रिमेंबर मी बाय इन द लेटर ईयर्स और समथिंग ऐसा। मेरे को तो लगा कि भाई क्यों बोल रहा है ऐसा, पर फादर उठे मेरे को देन ही गेव मी दिस कप, ठीक है? बहुत ही अच्छा कप है, मैंने यूज़ भी नहीं करा अभी तक, मतलब भाई यूज़ करने लायक थोड़ी होता है ये सब कप। तो आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद एक और कप है मेरे पास, जो कि जब 12 खत्म हुआ था ना तब मिला था सबको, सबके पास है ये। तो ऐसा कुछ होता है ना, वो वाला नहीं है कि भाई तेरे पास ये कैसे है। फिर यहाँ पे है कॉन्वर्स का डब्बा, एयरफोर्स का डब्बा, कुछ नहीं है अंदर इसके। उसके बाद ये जानते हैं क्या क्या है, फ्लैशबैक में ले चलते क्या ये। Observations of the teacher during your class performances, most disciplined boy. तो देख लिए क्या था, और इसको मैंने स्पाइडर सेंस से पकड़ लिया था, वरना गिर ही जाता, बेइज्जती अलग हो जाती मेरी वहां पे। पर अपन थोड़ा स्पाइडर मैन है ना, थोड़ा स्पाइडर मैन वाइब्स। उसके बाद एक वर्ड गेम है, ये घड़ी मेरा इम्पल्सिव बाय था, ठीक है? मेरे को अच्छा लगा, दोस्त लोग ने बोला अच्छा लगा, ठीक है? अपन ट्रायल जो था मैंने ऑर्डर कर दिया फटाक से। ये पहला होता है ना, मैंने 7th या 8th क्लास में ये गेमिंग हेडफोन लिया था मैंने, ठीक है? कॉस्मिक बाइट का, 600 रुपये पड़ा था मेरे को। भाई मैं उसके बाद मैं इतना खुश ना कि भाई मेरे पास तो गेमिंग हेडफोन है। अपन पबजी खेलते थे वीवो V9 में, ठीक है? सोच लो पबजी खेलते थे भाई, बोलते थे आय हाय हाय क्या ही मारेंगे बंदे, साउंड तो भाई एक घर से दूसरे घर तक आएगा ऐसा। पर क्या अरे सपना ही रह गया वो चीज़। उसके बाद एक कंट्रोलर है, समझ रहे, गेमिंग का पूरा जुगाड़ करके रखा हूँ मैं, बस यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन लगाना है मेरे को, PS5, दैट्स इट, गेमिंग सेटअप कंप्लीट। एंड वन मोर थिंग, जानते हो ये क्या है? क्रिकेट अटैक्स। और देखो पता है इसमें, देखो कस्टम कार्ड्स तो हैं ही, ठीक है? जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कुलदीप यादव, उमेश यादव जब KKR में था, UZY। फिर पता है मैंने, देखो बहुत सारे कम कार्ड थे ना, लेकिन ये पैक भी था ज्यादा वाला नहीं, तब मैंने और मेरे दोस्त ने क्या करा, देखो खुद ही पिक्चर कार्ड काट के, जैसे लंडन सिमंस हो गया ये, फिर होता है ना ऋषभ पंत का, तो होता है ना हम लोगों ने क्या किया, क्रिकेट अटैक्स के वेबसाइट पे गया, देखा सबका रेटिंग क्या है पूरा कार्ड्स का, और हम लोगों ने खुद से ही कार्ड्स बना लिए। मतलब समझ रहे हो, जुगाड़ भाई जुगाड़, पैसे नहीं खर्च करते उतने। उसके बाद रोहित शर्मा का देखो, हम लोग ऐसे कार्ड बनाया क्योंकि मुंबई इंडियंस का सिर्फ ऐसे कार्ड दिया हुआ था। मैंने बोला कि भाई अपना रूल से खेलेंगे अपन, रूल फॉलो वालो हमसे ना हो पाए। फिर यही सब था सारा का सारा, भाई बहुत बढ़िया था भाई, बहुत मजा आता था खेलने में। एक और गोल्डन कार्ड है भुवनेश्वर कुमार का, युवराज पाजी भी हैं अपने। और तो और देखे कौन आए हैं, कोहली भाई, हमारे कोहली भाई।
तो इसको भी साइड में रखते भाई, मजा था यार। और पता है ये मेरे को भागलपुर में मिलता नहीं था, तो अपन जब रांची गए थे ना तब लेके आया था मैं, बहुत मस्त था। ये एक तो कीबोर्ड है, यहाँ पे एक स्केचबुक रखा हुआ है, ये वाले फाइल में भाई है भाई, ये वाले फाइल में मेरे सारे के सारे सर्टिफिकेट्स रखे हुए, मतलब कि मैं पढ़ाकू तो था ही ना बचपन से थोड़ा बहुत, तो इसमें सारे के सारे फाइल्स रखे हुए, बहुत भारी है भाई, एक हाथ से नहीं उठ रहा। तो और यहाँ पे एक चश्मे का डब्बा है, ठीक है, पर इसमें चश्मा नहीं है। पता है इसमें मेरे पास एक टोनी स्टार्क का चश्मा था, ठीक है, मैंने सोचा कि भाई टोनी स्टार्क का चश्मा तो ले लिया, अब तो भाई जार्विस इन्वेंटी कर देता, मतलब कि देखो अच्छा हुआ ये चश्मा नहीं है, वरना जार्विस तो गया इजी स्निपेट का नौकरी खा जाता मैं अभी तक। फिर एक तो यहाँ पे पोर्ट्रेट है, और ये झोला मेरे को गिफ्ट का झोला बोलता हूँ, ठीक है, गिफ्ट का झोला, बहुत सारे इसमें गिफ्ट्स रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक है चश्मा, चश्मा का डब्बा, ठीक है, और ये चश्मा मेरे को बहुत पसंद था, ठीक है। फिर ये देखो, ये पता है दो हैंड रिटन नोट्स है फादर के, जो फादर ने दिया था ऑफिस से। इसमें एक है, प्लीज अलाउ सात्विक संस्कार, 12B इज अलाउड टू यूज फोन एंड लैपटॉप इन स्कूल। तेरे भाई से देख रहे हो, 3/3/22 का, मतलब 3 मार्च का भाई, 2 साल हो गए। फिर एक गाड़ी था, कृष्णा दिया था गाड़ी मेरे को जब मैं जा रहा था, हैरी स्टाइल्स का पोलराइड बोनस गिफ्ट, हैरी स्टाइल पोलराइड कॉज द पोस्टर आई ऑर्डर्ड इज लेट सो हैव दिस तब तक, ओके आया नहीं उसके बाद पोस्टर्स। फिर एक मस्टैंग है भाई, ये तो अब मेरी फेवरेट गाड़ी भाई, मस्त है यार, इसमें चीजें वगैरह। 2 मिनट क्लॉक, मैं कॉल ना उठाऊं तो 2 मिनट वेट करना, फिर वापस कॉल करना। एक तो पता है गिटार भी मेरे पास, पता है मेरे को गिटार चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, पर वो शौक मर गया, पर रिवाइवल होगा, चिंता ना करें आप। तो बस इतना इस था वीडियो के लिए, मैंने अभी वीडियो चालू किया बनाना, पर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। शुरुआत तो किया है, फिर वापस पिछले बार की तरह नहीं, 2 व्लॉग आया उसके छूट गया, इस बार देखते क्या करते हैं। शेखर देख रहा है ना तो वीडियो, तेरे कैमरे शूट किया जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है।